हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग एक ऐसे ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिसमें आपका रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट सब कुछ फिक्स होगा। डैट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेम रिएक्शन ट्रिक। तो नेम रिएक्शन ट्रिक में पहला जो अपना नेम रिएक्शन है, डैट इज कॉल्ड अल्डोल या फिर अल्डोल कंडेंसेशन। दोनों में बेसिक डिफरेंस है जो भी हम समझेंगे। तो ध्यान से देखो कि ये रिएक्शन में इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके पास आइदर अल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनना, अल्डिहाइड या कीटोन, डैट मीन्स वैसे जिसमें सी डबल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप हो। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन आपको लेना है, और अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन की पहचान कैसे है कि सी डबल बॉन्डों के बगल में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, ध्यान दे। और उस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन तो चाहिए ही, अल्डोल या अल्डोल कंडेंसेशन के लिए एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। देखो, इसका जो रिएजेंट है वो बहुत ही सिंपल है, बेसिक मीडियम जैसा आपको क्रिएट करना है। इसलिए वो सिर्फ OH माइनस लिख करके दे सकता है, NOOH लिख करके दे सकता है, कोई भी बेस दे दे, बैरियम हाइड्रोक्साइड लिख करके दे सकता है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट भी दे सकता है। ये सब उसकी पहचान है, बस बेसिक मीडियम हमें क्रिएट करना है। बेसिक मीडियम में अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो वो आपका अल्डोल या अल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। करना क्या है आपको, तो वेरी सिंपल है कि आपको देखो, ध्यान से देखो, जो सी डबल बॉन्डो है, सी डबल बॉन्डो एक मॉलिक्यूल का सी डबल बॉन्डो सामने रखो, और इस कार्बन पे ध्यान से देखो, इस कार्बन पे एक तरफ R एक तरफ CH3 है। तो एक तरफ R एक तरफ CH3 और सी डबल बॉन्डो। दूसरी बार में क्या करना है, इसी मॉलिक्यूल का जो दो अल्फा हाइड्रोजन है उसको सी डबल बॉन्डो के सामने करना है। तो देखो, दो हाइड्रोजन को सामने किया, राइट, इस कारण पे एक और हाइड्रोजन बच गया सी डबल बॉन्ड वाटर, और वाटर को क्या कर देना आपको, बाहर निकाल देना है। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, CR CH3, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा CH सी डबल बॉन्ड R। तो ये सी डबल बॉन्डो के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कहलाता है और ये वाला बीटा। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अनसेचुरेशन आ गया, राइट। एक बार और अब ध्यान से समझो, जैसे सपोज करो मैंने ये लिया, तो ये सी डबल बॉन्डो, राइट, उसके बगल वाला कार्बन इसलिए रेड कलर से दिखाया है, ये अल्फा कार्बन हो गया, इसके पास हाइड्रोजन है, बेसिक मीडियम है, अल्डोल की परफेक्ट कंडीशन हो गई। तो आपको करना क्या है, एक मॉलिक्यूल ऐसा ही एज इट इज उठाना है। ध्यान से देखो, मैं सी डबल बॉन्डो को सामने कर रहा हूँ, बाकी जो चीज़ जैसे वैसे लिख दो। एक तो आपको ऐसे उठाना है एक मॉलिक्यूल, दूसरा यही मॉलिक्यूल उठाना है क्योंकि अभी एक ही यही है, और आपको क्या करना है, इसका दो हाइड्रोजन सी डबल बॉन्डो के सामने करना है। कौन सा वाला, अल्फा वाला, ध्यान से देखो। तो ध्यान से देखो, इस कार्बन का दो हाइड्रोजन सामने किया, एक हाइड्रोजन था, उसके बाद इस कार्बन पे क्या था, ध्यान से देखो, इस कार्बन पे सी डबल बॉन्डो और फिर इधर CH3 था, तो उसको मैंने लिख दिया सी डबल बॉन्डो CH3। वेरी सिंपल है बनाना, और क्या करना है, आमने सामने का हिस्टो बाहर कर देना है। तो ध्यान से देखो क्या हो गया, आप यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, तो आपका ये सी पे CH3, इधर CH3, ये डबल बॉन्ड सी, ये फिर सी डबल बॉन्ड हो और ये CH3, इस कार्बन का तीन ही बॉन्ड हुआ और एक हेच था, तो एक हेच इधर दिखा दो, राइट। तो ये इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कहलाता है और ये बीटा, अल्फा बीटा अनसेचुरेशन आ चुका है। तो ये तब आएगा जब थोड़ा हीट करोगे, तो इसको बोलेंगे अल्डोल कंडेंसेशन, ध्यान दें, अल्डोल कंडेंसेशन। और सपोज करो सिर्फ अल्डोल प्रोडक्ट पूछा है, तो आपको क्या करना है, ये वाले पाई बॉन्ड को हटा देना है और इस पे OH और इस पे H देना है। तो आपका प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ये CH3 रहेगा, ये CH3, ओके, इस कार्बन पे क्या आ जाता, एक और H, तो ये हो जाएगा CH2 सी डबल बॉन्ड और CH3, और इस पे क्या कर देना है OH, यही OH और यहाँ का H बाहर जाता है, तो आपका ये डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, अल्डोल, इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ अल्डोल। और जब वाटर आप बाहर निकाल देंगे तो इसलिए वर्ड आया कंडेंसेशन, तो अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा बीटा कार्बन के बीच अनसेचुरेशन आएगा, अल्डोल में बीटा पे OH होंगे, बस ये ध्यान रखना है, राइट। और थोड़ा सा भी हीट होगा तो आपको अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना, अदरवाइज अल्डोल बनेंगे। सिमिलर टाइप की रिएक्शन है रिएक्शन नंबर टू, डैट इज अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन था, यहाँ पे अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो अल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है
तो इससे ज़्यादा बेसिक मीडियम में, डेट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम क्रिएट करना आपको, तो कभी कभी 50% NOH भी लिख देगा या कॉन्क NOH, तो इससे ज़्यादा बेसिक मीडियम में, और अगर कोई अल्फा हेच नहीं है तो ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होते हैं और रिड्यूस भी होते हैं, इसलिए ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन का स्पेशल नाम है कैनिजारो रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है? अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है तो फिर ये रिएक्शन होगी। इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और वही मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है। तो ध्यान से देखो, अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो हेच की जगह ओ आ जाएंगे, तो इसलिए ये आपका बेंजोइक एसिड बन गया। और माइनस क्यों देखा रखा, क्योंकि आपने बेसिक मीडियम क्रिएट कर रखा है, इसलिए हेच इसका बेसिक बेस जो है वो लेकर के चला जाएगा, तो इसलिए एनायन फॉर्म में ये रहेगा। और दूसरा, इसको फिर रिड्यूस करना है, तो क्या करना है, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, इसको भी हेच और इसको भी हेच, तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल आपका। तो ये ऑक्सीडाइज और ये रिड्यूस प्रोडक्ट है, ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है और ये रिड्यूस प्रोडक्ट है, तो एक ही रिएक्शन में दोनों पार्ट हो रहा है, इसलिए ये डिसप्रोपोर्शनेशन है। तो वेरी सिंपल फंडा है, जहाँ भी अल्डिहाइड या कीटोन दिख जाए इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, अगर अल्फा हेच है तो अल्डोल या अल्डोल कंडेंसेशन कराना है, अल्फा हेच नहीं है तो कैनिजारो कराना है। कैनिजारो में वही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होंगे, अल्डोल में जो भी मॉलिक्यूल आपको गिवन है एक बार उसका सी डबल बॉन्ड ओ सामने कर देना है, और एक बार जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको सामने कर देना, और वाटर बाहर निकल देना है। ध्यान से देखो, इसका नाम अल्डोल क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें अल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है और एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए इसका नाम है अल्डोल। अगर कीटोन होता तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता और अल्कोहल, इसलिए कीटोल भी बोल सकते हैं, बट अल्डोल के नाम से ही उसको जानते हैं। नाउ नेक्स्ट, तीन, अगर कहीं पर भी आपको एल्काइन दिख जाए, सी ट्रिपल बॉन्ड सी राइट, और ट्रिपल बॉन्ड के दोनों जो कार्बन हैं उनके दोनों साइड कार्बन कार्बन हो, या एक कार्बन एक हाइड्रोजन हो, या दोनों हाइड्रोजन हो, डैट मीन्स आपको एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 Hg+2 में होना चाहिए। अगर ये कहीं पे दिख जाए तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखें, आपको क्या करना है, जब भी एल्काइन की रिएक्शन HgSO4 से कराओगे तो वो वाले कार्बन जिस पे प्लस चार्ज स्टेबल होगा, डैट मीन्स स्टेबल कार्बोकैटायन जिस कार्बन पे बनेगा वो आपको चेक कर लेना, उसको ऑक्सीजन देना है, और जो अदर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसको दो हाइड्रोजन देना है। इस रिएक्शन का नाम है कुचेरव रिएक्शन। तो बात को समझे, क्या करना है आपको, ट्रिपल बॉन्ड में का दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड का दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, और जिस कार्बन पे प्लस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा उसको ऑक्सीजन देना है, अदर वाले कार्बन को दो हाइड्रोजन देना है, तो आपका इस रिएक्शन को बोलेंगे कुचेरव रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे देखो यहाँ पे हमने ले रखा है, तो यू नो कि हमें दो पाई बॉन्ड ब्रेक कर देना है, राइट। अब एक कार्बन को ओ देना है और एक कार्बन को दो हेच देना है, किसको देना है, तो ध्यान से देखो, इसका प्लस एम इफेक्ट होगा तो इस पे प्लस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, चूँकि इसका माइनस एम इफेक्ट होगा तो इस पे प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होगा, तो इसलिए हमें इसको ऑक्सीजन देना और इसको दो हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट सिंपल देखो कैसे बनाएंगे, सिंपल आपका ये जो बेंजीन रिंग थी इससे NO2 थे, इस पे आप दो हाइड्रोजन देना है, तो दो हाइड्रोजन आपने दे दिया, इस पे सी डबल बॉन्डो बना देना और बाकी चीज़ों को एज इट इज रहने देना, बाकी चीज़ों में आपको कुछ नहीं करना है। तो आई होप समझ गया होगे, वेरी सिंपल फंडा है। जब भी एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 देखे तो वो कार्बन जिस पे प्लस चार्ज स्टेबल होगा उसको ऑक्सीजन देना है, दूसरे वाले कार्बन को दो हाइड्रोजन देना है, दोनों पाई बॉन्ड को आपको ब्रेक कर करके। ओके, नेक्स्ट, सिम अगेन एल्काइन की रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो रिएजेंट है वो NaNH2 या सोडियम इन लिक्विड एमोनिया। इस रिएक्शन का नाम है बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं, बर्च रिडक्शन, और एंटी एडिशन होता है क्योंकि कार्बन आयन इसमें फॉर्म होते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमें एल्काइन लेना है वो नॉन टर्मिनल होना चाहिए। नॉन टर्मिनल मतलब जो सी डबल बॉन्ड सी है उसके दोनों साइड कार्बन होना चाहिए, तब जा करके ये वाली रिएक्शन हो पाएगी। और इसमें जो हाइड्रोजन ऐड होंगे वो एंटी साइड पे होंगे, इसलिए एंटी एडिशन है। डैट मीन्स आपको ट्रांस वाले एल्कीन मिल जाएंगे, ये एक तरह से एल्काइन से एल्कीन बनाने का प्रोसेस भी हो गया। अगर सर टर्मिनल वाला ले लिया, तो मतलब आपने ट्रिपल बॉन्ड के किसी भी साइड अगर एक हाइड्रोजन है टर्मिनल एल्काइन ले लिया, तो चूंकि ये हाइड्रोजन बहुत एसिडिक होता है ड्यू टू SP हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन,
तो एसिडिक होने की वजह से आपका सोडियम मेटल इससे रिएक्ट कर जाएगा और एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। एसिड बेस रिएक्शन होने की वजह से आपको ये एनायन मिल जाएंगे और हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाएगी, तो यहाँ पे आपका बर्च रिडक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट 5, देखो कहीं पे भी आपको एल्कीन दिख जाए, डैट मीन्स डबल बॉन्ड, और उसकी रिएक्शन दो कंडीशन में हो सकती है, O3 ओजोन, लेकिन उसके बाद अगर जिंक मेटल दिख जाए या डाइमिथाइल सल्फाइड Me2S दिख जाए इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो फिर इसको बोलेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर सिर्फ ओजोन है और वाटर है, या फिर K1O4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम है, या K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम है, इन तीनों का सेम काम है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो ध्यान दे, थोड़ा सा डिफरेंस है, रिएजेंट का ध्यान देना है, ओजोन दोनों में है, वाटर दोनों में, अगर ये जिंक दिख जाए या Me2S ये दिख गया तो रिडक्टिव करेंगे, और अगर ये नहीं दिखा तो ऑक्सीडेटिव करेंगे। जो ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कर सकता है वही काम K1O4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम कर सकता है, और वही काम K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम कर सकता है। करना क्या है सर वो बताओ, देखो वेरी सिंपल फंडा है, जहां पे भी एल्कीन दिख जाए उसको परपेंडिकुलर कैंची की तरह कट कर देना, ध्यान से देखो ऐसे कट कर देना, ध्यान दे कि डबल बॉन्ड के परपेंडिकुलर कैंची चलाना है आपको, पहले नहीं, डबल बॉन्ड के अलोंग नहीं चलाना है, बस समझ गए, डबल बॉन्ड के परपेंडिकुलर कैंची चला देना है, तो दो फ्रेगमेंट बन जाएंगे, दोनों साइड ऑक्सीजन भर देना है, क्योंकि कट किया है तो उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो क्या किया मैंने, ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर कट किया, इधर भी ऑक्सीजन भर दिया और इधर भी ऑक्सीजन भर दिया, तो ये बन गया। तो अगर आपने रिडक्टिव कराया तो सिर्फ डबल बॉन्ड को कट कर देना और ऑक्सीजन भर देना, डेट्स इट। अगर ऑक्सीडेटिव होगा तो क्या होगा सर, तो अगर ऑक्सीडेटिव होगा तो अगर डबल बॉन्ड पे हेच है, ध्यान दे डबल बॉन्ड पे हेच है, तो उसको फिर OH करना पड़ेगा। इसीलिए अगर हम रिडक्टिव करें तो डबल बॉन्ड के डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पे अगर दोनों कार्बन है तो कीटोन प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर इधर हाइड्रोजन है तो अल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलेगा, जबकि वहीं पे ऑक्सीडेटिव करें तो इधर वाला तो अभी भी कीटोन ही था, राइट, अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन है तो वो तो कीटोन ही होगा, लेकिन डबल बॉन्ड के एक साइड कार्बन एक साइड हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको एसिड ग्रुप मिलेंगे। तो आई होप फंडा वेरी क्लियर होगा, सिंपल है, डबल बॉन्ड को परपेंडिकुलर कट कर देना और ऑक्सीजन भर देना है, तो ये रिडक्टिव हो जाएगा। उसके बाद अगर ऑक्सीडेटिव की कंडीशन है, डेट मीन्स ये रिएजेंट अगर आपने लिया है तो रिडक्टिव वाला प्रोडक्ट पहले बना लो, फिर उसके बाद क्या देखना आपको कि क्या डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन था तो उसको OH कर दो। सर दोनों साइड अगर हाइड्रोजन होते तो इधर भी होता तो इसको भी OH कर देते, और यू नो एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होता है, तो आप वाटर बाहर निकाल देते और आपको CO2 मिल जाता। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट जो 6-1 है, 6-1 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन इज नोन एज हैलोफॉर्म टेस्ट। तो इसके लिए कंडीशन क्या वो ध्यान दो, सी डबल बॉन्ड हो के एक साइड मुझे मिथाइल ग्रुप चाहिए, बस। क्या मेरी बात को ध्यान से सुनो, सी डबल बॉन्ड ओ के एक साइड CH3 होना चाहिए, बस एक ही कार्बन होना चाहिए, उधर जितने कार्बन की चैन हो वो चलेगा, और उधर कार्बन ही होना चाहिए उधर भी, ओके। या फिर जो कोई फंक्शनल ग्रुप OH या हेलोजन कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो जो इजीली रिमूव हो सकता हो, राइट, या ऑक्सीडाइज हो सकता हो, अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो अगेन उसके एक साइड मुझे एक ही कार्बन चाहिए। ध्यान दे, जिस कार्बन पे OH या हेलोजन या वैसे ग्रुप जो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हो उस कार्बन के एक साइड मुझे एक ही कार्बन चाहिए और उधर जितना कार्बन हो चलेगा। सेम वही कंडीशन, सी डबल बॉन्ड के एक साइड मुझे एक ही कार्बन चाहिए, मिथाइल ग्रुप चाहिए, और उधर जितना हो कार्बन चलेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम एंड हेलोजन NOH एंड X2 करके दे देगा, या ये रिएक्शन होगी तो NaOH बन जाएगा, राइट, जैसे आपको कैसे दे देगा, NaOI ऐसा करके दे देगा, या NaOBr, ये सब दे करके बच्चे डर जाते हैं, वेरी सिंपल है, यही है NaOX, X कैन बी ClBri, तो अगर या फिर बेसिक मीडियम में हेलोजन दे दे, तो आपको बेसिक मीडियम में हेलोजन या NOX दे दे और C डबल बॉन्डों के साथ एक साइड मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, या फिर जिस कारण पे आपका हेलोजन या OH ग्रुप लगा हुआ है उसके एक साइड सिर्फ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, दूसरे साइड सिर्फ कार्बन होना चाहिए, ऐसी कंडीशन में हेलोफॉर्म टेस्ट हो जाएंगे। और आपको करना क्या, ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, जो C डबल बॉन्ड O वाला
और CH3 वाला जो बॉन्ड है इसको हटा देना है, इसको अगेन ब्रेक कर देना है। और ध्यान दे, यहाँ पे तो ऑक्सीजन इधर भर दोगे, इधर तो ऑक्सीजन, उधर क्या करना है, ये जो तीनों हाइड्रोजन थे, तीनों हाइड्रोजन की जगह किसको भर देना है, हेलोजन को, और एक और हाइड्रोजन उसको दे देना है, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा, तो CHX3 ये बन गया आपका हेलोफॉर्म। अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म बोलेंगे, ब्रोमीन होता तो ब्रोमोफॉर्म बोलते, आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म, इसलिए आयोडीन से जनरली कराते हैं NOI से, क्योंकि इस केस में येल्लो प्रिसिपिटेट मिलता है जिससे हमें पता लग जाता है कि एसिटाइल ग्रुप है। सी डबल बॉन्डोस के एक साइड CH3 है, अगर ये पहचानना हो तो आप ये रिएजेंट डाल दो, अगर येल्लो प्रिसिपिटेट आ रहा है तो इसका मतलब सी डबल बॉन्डो CH3 या फिर ये सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो इसीलिए ये कुछ बच्चे ऐसा समझ लेते हैं, ध्यान से देखो, सी डबल बॉन्ड ये तो है लेकिन इधर कार्बन नहीं है, तो ये आपको हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। Cl है, अगर OH है या OCH3 है एक साइड में, तो ये सब आपको हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। इसलिए हमने बोला सी डबल बॉन्ड O के एक साइड मिथाइल होना चाहिए, दूसरे साइड कार्बन होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं पर अगेन एल्काइन आपको दिख गया, क्या दिख जाए, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले और रेड हॉट आयरन दिख जाए, तो आपको क्या करना है, वेरी सिंपल है, पॉइंट ध्यान से देखो, जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसके दोनों साइड हाइड्रोजन हो सकता है, एक साइड कार्बन एक साइड हाइड्रोजन हो सकता है, दोनों साइड कार्बन हो सकते हैं, ओके, कोई भी एल्काइन हो सकता है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्डेड होना चाहिए। आपको क्या करना है, रेड हॉट आयरन, राइट, ये एज ए कैटलिस्ट का काम करेगा, एरोमेटिक कंपाउंड बना देना। तो आपको क्या करना है, जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी वाले हैं, ये दो कार्बन को तीन बार लिखना है, डेट मीन्स इसके आपको तीन मॉलिक्यूल लेने हैं, तीन मॉलिक्यूल, देखो यहाँ पे मैंने दिखा दिया, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, राइट, कोई भी इधर गिवन होगा, पहले सी डबल बॉन्ड सी वाले को तीन बार लिख देना है। उसके बाद ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पाई बॉन्ड मैंने हटाया, राइट, सबका एक एक पाई बॉन्ड हटा दो, देख लो ध्यान से, सबका मैंने एक एक पाई बॉन्ड हटा दिया, और सबको क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, ध्यान से देखो, ये मैंने कनेक्शन कर दिया, बात समझ में आई मेरी, मैंने क्या किया था, पहले सी ट्रिपल बॉन्ड सी वाले तीन मॉलिक्यूल लिख लिए, क्योंकि इसके तीन मॉलिक्यूल लेंगे, और सबका एक एक पाई बॉन्ड हटा करके कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको देखना है कि जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी पे क्या लगा हुआ है, राइट, तो इस कारण पे एच आर लगा हुआ है, या मैं इससे ले रहा हूँ, सपोज करो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एक साइड एच रख रहा हूँ और एक साइड आर, तो अगर मुझे इसका बनाना है तो ये तीन बार लिख लिया और एक एक पाई बॉन्ड हटा कर करके कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इस कार्बन पे R है तो इस कार्बन पे H है, तो ध्यान से देखो ये दो कार्बन हो गए वाले, अगर इस पे R है तो इस पे H है, राइट, अगेन अगर इस पे R है तो इस पे H है, और अगेन इस पे अगर R है तो इस पे H है, मतलब अल्टरनेट पे आपको कर देना है, ध्यान से देखो, इस पे आया तो इस पे नहीं, फिर इस पे, क्यों, क्योंकि दो दो कार्बन है, तो एक पे R था एक पे H था, फिर इधर ले लो, फिर एक पे R एक पे H था, फिर इधर ले लो, फिर एक पे R एक पे H था, तो इस तरीके से ये आपका बन जाएगा बेंजीन एक्चुअली में, ध्यान से देखो, डबल सिंगल डबल से। सेम इसी टाइप की रिएक्शन होती है जब आप एसीटोन लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में भी आपको एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। तो अगेन इसके भी आपको तीन मॉलिक्यूल लेना है, और तीन मॉलिक्यूल में सी डबल बॉन्डो को एक बार सामने में दिखाना है, राइट, ध्यान से देखो, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन है उसके दोनों साइड मिथाइल है, तो सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन है, एक साइड ये मिथाइल हमने दिखाया CH2CH3, तो एक CH3 इसका आप ऊपर दिखा दो, फिर ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला है तो इसका मैंने ये ध्यान से देखो CH3 दिखाया, तो एक CH3 इसका बचा हुआ है तो ये दिखा दिया उसी कारण से, फिर ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला है, राइट, तो एक CH3 आपने इधर दिखाया, एक CH3 इधर दिखा दो, मतलब करना क्या है, एक का सी डबल बॉन्ड ओ सामने करना है, दूसरे वाले मॉलिक्यूल का CH3 वाला दो हाइड्रोजन सामने करना है, ताकि आप वाटर बाहर निकाल पाओ H2O से, क्योंकि यूनो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वाटर बाहर निकाल दो, तो अगेन आपका यही सिमिलर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दोनों ही केस में एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएंगे, ध्यान से देखना आपको, और कैसे करना आपको एक आइडिया मैं दे चुका हूँ। नाउ लास्ट, अगर कहीं पे भी आपको अल्डिहाइड या कीटोन दिख जाए, ध्यान दें, अल्डिहाइड या कीटोन दिख जाए, और दूसरे जो रिएजेंट होंगे नाइट्रोजन पे, ध्यान दें, नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन एक साइड होना चाहिए और एक साइड कुछ भी हो, इसलिए मैंने जेड लिखा है, जेड कैन बी एल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, हाइड्रोजन, OH, NH2, C6H5NH, NHCO, NH2, कुछ भी, ये सब में से कुछ भी हो सकता है, राइट,
तो बात को समझे, फंडा को समझे, नाइट्रोजन के एक साइड दो हाइड्रोजन होना चाहिए और एक साइड जेड कैन बी एनीथिंग, ये होना जरूरी है। और आपका अल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, डेट मीन सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, तो इसलिए मैंने उसको वैसे लिखा है। तो अल्डिहाइड या कीटोन का सी डबल बॉन्ड ओ सामने करना है और ये जो नाइट्रोजन का दो हाइड्रोजन है जो होना ही चाहिए वो सामने करना है, राइट। कर दिया और वाटर को बाहर कर देना, उसके बाद आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो वही चीज़ को मैंने दिखाया, देखो कार्बन पे ये दो ग्रुप जो लगे हुए थे सी डबल बॉन्ड ओ सामने किया था और नाइट्रोजन पे जो दो हाइड्रोजन वो सामने किया था और वाटर को आपने बाहर निकाल दिया, तो क्या बन गया C डबल बॉन्ड N, तो ये बन गया। और Z आपका जो इस पे नाइट्रोजन पे एक साइड लगा हुआ था क्योंकि नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाएंगे वो लगा रह गया। अब डिफरेंट केस में इसके डिफरेंट नेम होते हैं। अगर सपोज करो कि ये वाला जो Z है, ये वाला Z, ये अगर आपका हाइड्रोजन होता तो डैट मीन्स फाइनली रिएजेंट कौन हो जाता, अमोनिया एक तरह से, कैसे, N दो हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन NH3 अमोनिया हो गया, राइट। तो ऐसे केस में इस प्रोडक्ट का नाम क्या जाता है, आयमीन, डैट मीन्स इस जेड की जगह सिर्फ आपको क्या कर देना है H, इसलिए मैंने पूरा स्कीम ही बना दिया। अगर इस जेड की जगह आपने OH ले लिया तो इसको बोलते हैं फिर ऑक्साइम, अगर NH2 लेते उस जेड की जगह तो हाइड्राजोन बोलते हैं, और अगर NHCONH2 ले लिया तो इसको सेमी कार्बाजोन बोलते हैं। वेरी सिंपल, अगर एल्काइल ग्रुप होता, अगर जेड की जगह कोई एल्काइल ग्रुप अगर आपने ले लिया होता, ध्यान से देखो यहाँ पे कोई अल्डिहाइड या कीटोन और नाइट्रोजन का दो हाइड्रोजन सामने किया, ये वाटर बाहर निकाल दोगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, सी डबल बॉन्ड N, और N पे यहाँ पे H की जगह क्या हो जाएगा R, क्योंकि Z आपने क्या ले रखा है R, तो इसको बोलते हैं एस्किफ बेस। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना आपको। तो वेरी सिंपल है, ध्यान से देखो, सी डबल बॉन्ड ओ अल्डिहाइड या कीटोन का सामने कर देना है और N पे दो हाइड्रोजन होना चाहिए और एक हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन हो या फिर जो भी ग्रुप लगाना वो लगा लो, आपको क्या करना वाटर बाहर निकाल करके C डबल बॉन्ड N बना देना है। तो आई होप ये नेम रिएक्शन वाला जो तीन वीडियो लेक्चर हमने क्रिएट किया है जिसमें पूरी नेम रिएक्शन को मैंने NCERT की ख़त्म किया है आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये सब पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आपसे क्वेश्चन इजीली हो भी जाएंगे। थैंक यू।